हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MDU हेल्प में। MDU की तरफ से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं, कौन कौन से कोर्सेज के एडमिट कार्ड आए हैं, कौन से सेमेस्टर के एडमिट कार्ड आए हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड के सेक्शन में हम आ चुके हैं। BA BCOM के जो स्टूडेंट है, साथ में MA MCOM MSc के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है जिन्होंने डिस्टेंस से एडमिशन ले रखा है, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट ने जनवरी 2021 के सेशन में एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और जुलाई 2021 के सेशन में आप सेकंड सेमेस्टर में हो गए हैं, BA BCOM MA MSc MCOM के जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, इनमें से आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रखा हो, आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टूडेंट आईडी एंटर करनी है, या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर या स्टूडेंट आईडी में से कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी से एडमिट कार्ड निकाल के दिखा रहा हूँ। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सेशन नेम, कौन से सेशन के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, कौन से सेशन के, जुलाई 2021। कोर्स नेम देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट DD सेमेस्टर स्कीम के एग्ज़ाम है। सेमेस्टर या ईयर कौन सा है? सेकंड सेमेस्टर। एलिजिबिलिटी स्टेटस एलिजिबल होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होगा सिर्फ उसी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड को मैंने डाउनलोड कर लिया है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एडमिट कार्ड जारी किया गया है। जो आपके थ्योरी के एग्ज़ाम हैं उसका एडमिट कार्ड रहेगा। डेट एंड टाइम का कैसे पता चलेगा? जो आपकी डेट एंड टाइम का, वो आपको डेट शीट से पता चलेगा किस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा, किस सब्जेक्ट का, और क्या टाइमिंग रहेगी एग्ज़ाम की। डेट शीट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर की, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। BA BCOM के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 12 मार्च से स्टार्ट हैं, और MA MSc MCOM के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 11 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। मार्च में आपके एग्ज़ाम रहेंगे। डेट शीट को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं किस सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है। सबसे पहले यहाँ पर क्लास नंबर ब्लैंक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर। इस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आपके पास तो स्टूडेंट आईडी से भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम रोल नंबर है। एग्ज़ाम रोल नंबर के नीचे आपकी फ़ोटो मिलेगी, उसके नीचे आपके साइन और थंब इम्प्रेशन। उसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर कोड, क्या आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर नेम, श्री लाल नाथ हिंदू कॉलेज रोहतक बॉयज बिल्डिंग नंबर 1। इस कॉलेज में स्टूडेंट का एग्ज़ाम सेंटर है। कोर्स नेम देख सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट DD सेमेस्टर BA का स्टूडेंट है। नेम ऑफ स्टूडेंट अमित, फादर नेम देख सकते हैं, मदर नेम देख सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट नेम भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हैं। पेपर नेम इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। कौन से सेमेस्टर का? सेकंड सेमेस्टर। एग्ज़ाम टाइप फुल। पेपर आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर के साइन है। कॉलेज कोड देख सकते हैं, कॉलेज नेम देख सकते हैं। जो नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई है उनमें से मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, जैसे आपका 9:30 एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द कमिसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक दोस्तों, 9:30 आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है, 8:30 ही वहाँ पर पहुँच जाना है। इसके बाद है जो आपका मेन जो अगला पॉइंट है, अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है तो आपको क्या करना है। अगर आपके एडमिट कार्ड पर यहाँ पर फ़ोटो नहीं है तो आपको अलग से फ़ोटो लगाकर उसे अटेस्टेड करवाना है। कहाँ से आपको अपना फ़ोटो अटेस्टेड करवाना है? प्रिंसिपल से आप अपना जो फ़ोटो है वो अटेस्टेड करवा सकते हैं, या फिर गजेटेड ऑफिसर से भी अपना जो फ़ोटो है वो आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। और जो आपकी वैलिड आईडी जो प्रूफ है वो आपको साथ में लेके आनी है। जैसे आप आधार कार्ड ला सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप साथ में ला सकते हैं। आज ये मैंने एडमिट कार्ड प्रिंट किया है, मार्च 8, 2022 देख सकते हैं, ट्यूजडे प्रिंटेड ऑन। मेन जो इंस्ट्रक्शन है वो मैंने आपको बता दी है। जो स्टूडेंट एलिजिबल हो गए सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट आएगा। ठीक दोस्तों, जैसे आप एलिजिबल नहीं हो और फिर भी आपने एग्ज़ाम दे दिए तो आपका जो
एग्ज़ाम जो आपका रिजल्ट है एग्ज़ाम का वो रोक दिया जाएगा। जो स्टूडेंट एलिजिबल है सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट आएगा, बाकी आप इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस दिन आपका एग्ज़ाम है, किस टाइम में आपका एग्ज़ाम है, वो आप डेट शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर का, हिंदी सेकंड सेमेस्टर का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ऐसे ही एमए पॉलिटिकल साइंस के जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के। एनी फाइव एग्जाम पैटर्न भी आप देख सकते हैं, किस तरह आप एनी फाइव एग्जाम पैटर्न से आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में एग्जाम दे सकता है, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना रखी है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेन जो आपकी वीडियो रहेगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आप उनको ज़रूर देख कर जाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आपका एडमिट कार्ड निकालने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते आप सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।